नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार तीसरे टेस्ट मैच के दौरान तीसरे दिन कुछ दर्दनाक हादसा हम लोगों को मैदान पर देखने के लिए मिला, तो हम आपको उसी के बारे में पूरा मामला बताएंगे कि आखिरकार डीन एलगर को क्या हुआ, कैसी अब उनकी हालत क्या है वगैरह वगैरह। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आपको दिखाई गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को आप जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है। तो वहीं रांची में आयोजित हो रहे इस टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में विशाल बढ़त हासिल करी और इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में भारत के 497 रन के स्कोर के सामने मात्र 162 रन पर ही ढेर हो गई। तो इसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने फॉलो ऑन देने का निर्णय लिया और इसके जवाब में फिर से बल्लेबाजी के लिए दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर बल्लेबाजी में फ्लॉप रही और उनके चार विकेट मात्र 22 रन पर ही लुढ़क गए। तो इसी के चलते दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की पारी में 10वें ओवर में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हर कोई सहम गया है। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि डीन एलगर बल्लेबाजी कर रहे थे और उस समय उमेश यादव बॉलिंग करा रहे थे। तो इसके चलते उमेश यादव अपने ओवर की तीसरी गेंद फेंकने जा रहे थे तो बल्लेबाजी कर रहे डीन एलगर के वो गेंद जाकर सीधा सर पर लगी। जी हाँ, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में भी। हालांकि दोस्तों हेलमेट होने के बावजूद ये मामला ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन गेंद लगने के बाद एलगर जमीन पर बैठ गए और देखने पर ऐसा लगा कि हाँ कुछ गंभीर मामला हो सकता है। और इसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे पहले एलगर का हाल जानने के लिए वहां पे पहुंचे और इसके बाद विकेट कीपर रिद्धिमान साह, उपकप्तान अजिंक्य रहाणे समेत बाकी खिलाड़ी भी एलगर के पास गए। और वहीं इस दौरान चोट की गंभीरता को देखते हुए उस समय एम्पायर ने चायकाल को घोषित कर दिया और इसके बाद चायकाल के बाद डीन एलगर वापिस बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। तो उम्मीद ये की गई कि डीन एलगर के साथ गंभीर मामला हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और एक बार फिर से मैदान में वापसी करें। तो आप लोग भी नीचे डीन एलगर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।